वीडियो में हम लोग कंसाइज मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर जो 5B दिया हुआ है ये हम लोग आज शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरी दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो केवल इस बुक को ही फॉलो करते हुए बनाता हूँ, ठीक है। मैं आपको इस बुक के बाहर कुछ एग्जाम्पल भले ही दे दूं बट मेरा फोकस हमेशा इस बुक के हर टॉपिक वाइज ही होता है। जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा जो इस बुक में दिया हुआ है। टू एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि आपको एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए ये बुक पहले पता होनी चाहिए। ये बुक आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको दुनिया भर से आप पढ़ के आएँ लेकिन आपको जब बुक पढ़ें तो आपको समझ में ना आए कि यार ये मेरी बुक में किधर लिखा है। तो इसलिए मेरा फोकस हमेशा इस बुक ही रहेगा। इसमें चाहे जो भी टॉपिक हो, जो भी क्वेश्चंस हो, इवन एग्जाम्पल, मैं वो सारा इस बुक का ही बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 16 है तो ये मैं 16 एग्जाम्पल भी आपको बताऊँगा। तो ये मेरा अप्रोच रहता है थ्रू आउट फॉर कंसाइज मैथमेटिक्स और कंसाइज फिजिक्स बुक दोनों के लिए, ठीक है। तो ये अप्रोच मेरा रहता है। आई मीन कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे तो आई जस्ट वॉन्ट टू रिप्लाई टू दोस। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 2x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 9 कहता है 2x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब फ्रेंड्स जब ये इस तरह की इक्वेशन दिमाग में आए तो आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए और वो फॉर्मूला क्या है, a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें a क्या है, a इज मेरा 2x है एंड b इज व्हाट, 3। नाउ इफ यू ट्राई टू पुट दिस इन दिस फॉर्मूला तो a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² तो a इज, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस b इज 3, तो दिस विल बिकम 3² - 2 × 2x। a इज 2x, ओके, एंड देन b इज व्हाट, 3 × 3 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 49, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2x का होल स्क्वायर ये हो जाएगा मेरा 4x² + 3² - 9 - 3×2 = 6, 6×2 = 12। दिस विल बिकम 12x = 49। इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में लगाते हैं तो दैट विल बिकम 4x² - 12x + 9 = 49। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4x² - 12x + 9। 49 को लेफ्ट साइड पे लाते हैं, दिस विल बिकम 49 = 0। और ये हो जाएगा मेरा 4x² - 12x - 40 = 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा मैंने दो तीन ट्रिक लगाई है। पहली ट्रिक तो ये लगाई कि एक तो मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा, मैंने इसको कॉन्टिन्यूस सॉल्व किया और तब तक सॉल्व किया जब तक मेरा सारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में नहीं आया, जिसमें जो हम लोग ने पढ़ा था कि सबको लेफ्ट साइड पे लाना है, ठीक है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट साइड, ये पॉइंट नंबर 3 जो मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने वो किया। और मैंने ये भी देखा कि जितना भी इक्वेशन है वो ax² + bx + c = 0 फॉर्मेट में आना चाहिए। यहाँ पे इक्वल टू 49 था और मैंने इसको सॉल्व करने के लिए इसको लेफ्ट साइड पे लाया और फिर इसको जीरो के अगेंस्ट किया, ठीक है। अब मेरा जा करके एक ये इक्वेशन बना है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये कंप्लीट इक्वेशन पहले और सिंप्लीफाई हो सकती है इफ़ वी डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है x² - 3x, ठीक है। 4 को अगर हम लोग 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो दिस विल बिकम 3x - 10 = 0। तो अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई होगी, ठीक है। अब इसको इजी रहेगा अपने को सॉल्व करने में। अब अपने को ऐसा देखना है कि इफ़ वी एड और मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्ट
अपने को 3x आना चाहिए इन सच ए वे कि हम लोग इसी इक्वेशन को दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं सो दैट वी कैन सॉल्व दिस फर्दर. अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब माइनस 5x और प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x. तो यस दिस इक्वेशन को हम लोग दूसरे फॉर्मेट में लिख लिया. अब यहाँ देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x, तो बचा क्या x माइनस 5 और इधर भी हमारा x माइनस 5 अगर हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं तो मेरा कॉमन में क्या आ जाएगा प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0. बस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2. एक इक्वेशन ये बन जाएगी और दूसरी बनेगी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ x विल बी ईदर माइनस 2 और 5 एंड दैट इज माय आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था. यहाँ पे भी हमने दो तीन ट्रिक लगाई हैं, ध्यान दीजिएगा. ये मेरा जो मैंने सबसे पहले बताया था केसेस 1 2 3 4 वो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा. ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 9.